रखा गया है। ये है स्कूल, देख लीजिए क्या व्यवस्था है। क्या देखिए स्कूल, आपका घर यहाँ पे है? नहीं, यहाँ घर यहाँ पे नहीं है मेरा। मैं बता रहा हूँ, मैं दीप नारायण रघुवंशम बिहारी बाबू मैं हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि ये है नीतीश सरकार की शिक्षा व्यवस्था। नीतीश बाबू कहते हैं कि मेरी राज्य में खुशहाली है। बताइए थोड़ा सा स्कूल का। सरपंच के आदमी कोई नहीं कुछ करता है, सब दिन डूबा रहता है। हम लोग घर में भी पानी घुस जाता है। घर में आपके घर में तो सड़क होगा ना बना हुआ? नहीं, घर में है पूरा गलियारा प्लास्टर है, पूरा दुतल्ला अति सीढ़ी पर भी चढ़ जाता है पानी। सीढ़ी पर मतलब इधर सड़क नहीं बना हुआ? नहीं कुछ नहीं है। देखिए चलिए, अपना घर होता तो वो इस प्रकार से नहीं होता, लेकिन आप देख सकते हैं जी का ये विकास देख सकते हैं। ये कैसा विकास है? ये छोटे तबके के लोगों के साथ एकदम दो टुक की बात है। तो कुछ नहीं करते मास्टर, बोलते हैं ना तो कहेगा कि होगा ना, कुछ नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं? हम तो अभी दो साल से दो महीना से दो महीना से बने तो आपको आवाज उठा, बहुत आवाज उठाए, आप कितना आवाज उठाए। दोस्तों आज मैं एक ऐसे स्कूल का आप लोगों को दर्शन कराने वाला हूं जो आप लोगों को आठवां अजूबा से कम नहीं दिखेगा। आप मेरे पीछे एक स्कूल देख रहे हैं जिसका नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय फतेह जंगपुर। ये पटना के सबलपुर है, सबलपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाला ये स्कूल है। अब इस स्कूल में पढ़ाई होता होगा कि नहीं होता होगा मुझे पता नहीं है, और ना मैं गारंटी दे सकता, लेकिन इतना गारंटी दे सकता हूं कि अगर गिनीज बुक में इसको रिकॉर्ड किया जाए तो इस स्कूल का नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। ऐसा स्कूल आपको सिर्फ बिहार में ही दिखेगा, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा व्यवस्था को इतना दुरुस्त कर दिए हैं कि ऐसे ऐसे स्कूल जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब आप समझ लीजिए और आप सोचिए कि इस स्कूल में बच्चे जो है वो कैसे पढ़ते होंगे, कहां बैठते होंगे, और किस बोर्ड पे इनकी पढ़ाई होती होगी, और टीचर जो है वो कहां खड़ा होकर जो है पढ़ाते होंगे। आप देख रहे हैं ये स्कूल है, और इस स्कूल में आपको मैं बता दूं बहुत ही बढ़िया स्विमिंग पूल है। पढ़ाई होता होगा कि नहीं होता होगा गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि बहुत ही बढ़िया स्विमिंग पूल है जिसमें आपको चारों तरफ सिर्फ कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। और मैं चाहूंगा थोड़ा सा और इधर आइए, थोड़ा सा इसको दिखाइए अंदर से कि अंदर कितना पानी है और कितना गहरा है। ये वही स्कूल है जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे अभी कितने सालों से जो है नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी मैं यहाँ के गांव के लोग हैं उनसे मैं बात करूंगा, और थोड़ा सा इधर दिखाइए, यहाँ गांव के लोग जो है वो खड़े हैं हमारे साथ बात करने के लिए। हम इन्हीं से बात करेंगे कि स्कूल जो है कब से स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया है, और यहाँ पढ़ाई होता है कि नहीं होता है गांव वाले ही बताएंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सूरज हुआ। ये कब से आप देख रहे हैं कि स्कूल में स्विमिंग पूल बना हुआ आज है? से नहीं, बहुत वर्षों से देख रहे हैं कि 9 महीना तक डूबा रहता है, 3 महीना पढ़ाई होता है। जी जी, 9 महीना डूबा रहता है, 3 महीने पढ़ाई होता है। ऐसा क्यों? अब यही देख लीजिए स्थिति, ये कचरा जो भरा हुआ है, पानी जो भरा हुआ है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। हमेशा ऐसा ही रहता है, बचपन बिता दिए यही देखते देखते। बचपन बिता दिए, बचपन से जवानी बिता दिए यही देखते देखते। अरे बाप रे। चाचा जी क्या नाम है अपना, थोड़ा नाम बताइए पहले। हमारा नाम बेनी राय जी। ये कब से देख रहे हैं? स्कूल में आप पढ़े होंगे? ऐसे ही रहता है। आप स्कूल में पढ़े होंगे? हम स्कूल में, हम लोग तो डियर से आए हैं। आप दूसरे जगह से आए हैं? कब से देख रहे हैं कि ऐसा कचरा जो स्कूल, आप स्कूल में पढ़े होंगे? हम स्कूल में, हम लोग तो डियर से आए हैं। हम आप दूसरे जगह से आए हैं? कब से देख रहे हैं कि ऐसा कचरा जो स्कूल में भरा हुआ है पूरा? ऐसी सब दिन भरा रहता है, सब दिन भरा रहता हाँ। है। पढ़ाई होता है कि नहीं इसमें? एक आध महीना हाँ, एक आध महीना जी। कैसे होता होगा एक आध महीना? देख रहा सारा कचरा भरा हुआ है, साफ उफ सब करा उड़ा के बैसाख जेठ में जी, तन मानी 10 मिनट बैठे पढ़ाई अपना घरे चल गए जी। ऐसी रहता है और बाकी ऐसे ही रहता है। क्या नाम है बाबू? हम किसको? इसी में पढ़ते हो? यस सर। इसी में पढ़ाई होता है कि नहीं इसे स्कूल में? यस सर होता है। स्विमिंग पूल में मजा आता है कि नहीं तैरने में? नहीं नहीं आता है। क्या है? बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है, कचरा भी फैला हुआ है। हंस कह रहे हो, हंसी आ रही है। आप यहाँ के रहने वाले, थोड़ा सा स्कूल के बारे में व्यवस्था बताइए कि कब से ऐसे स्विमिंग पूल कचरा भरा हुआ है? आज करीबन 2005-06 से देख रहे हैं कि जो कि मेरे राजकीय प्राथमिक विद्यालय फतेह जंगपुर सबलपुर पंचायत का जो स्कूल है जी, यहाँ जो है साल में 1-2 महीना पढ़ाई हो पाता है, और बाकी जो है 10 महीना बारिश और नाला के पानी से मेरे स्कूल यहाँ पे एक दीदी आ रहे हैं, उनसे ही हम पोल खोलवाएंगे। क्या कर रहे दीदी, बताइए थोड़ा सा स्कूल का। सरपंच के आदमी कोई नहीं कुछ करता है, सब दिन डूबा रहता है। हम लोग घर में भी पानी
घुस जाता है जा। घर में आपके घर में तो सड़क होगा ना बना हुआ? नहीं, घर में है पूरा गलियारा प्लास्टर है, पूरा दुतल्ला, सीढ़ी पर भी चढ़ जाता है पानी। सीढ़ी पर मतलब इधर सड़क नहीं बना हुआ? नहीं कुछ नहीं है। देखिए जी चाची, बताए कि ये स्कूल जो है कब से ऐसे कचरा बना हुआ है? सब दिन तो ऐसे रहता है, बहुत दो तीन महीना रहता है खाली आराम लेकर। दो तीन महीना कैसे बच्चा पढ़ता होगा जब एकदम सूख जाता है? अखनी नहीं, सब जेठ बैसाख में एक आध महीना बहुत माता खुलता है, लेकिन सब दिन ऐसे रहता है। स्कूल में साफ पढ़ावल जाता है। मास्टर साहब क्या करते हैं कि स्कूल बैठे तो कुछ नहीं करते? मास्टर बोलते हैं ना तो कहेगा कि होगा ना होगा ना, कुछ भी नहीं करते हैं। मास्टर है, टीचर जो भी है, सब जो अपने मतलब का जो है, और जो ड्यूटी करता है। पानी स्थल भरने के बाद क्या बोलते हैं कि पंचायत भवन है, पंचायत भवन का चाबी दो। आप लोगों ने कभी आवाज उठाया है इस स्कूल का? बहुत बार, बहुत बार उठाया है, बहुत बार, बहुत बार। यहाँ का फंक्शन भी हुआ, सब कुछ हुआ। इधर आइए, आवाज उठाए लो तो आके एक बार आवाज उठाइए तो यहाँ से यहाँ पे आइए, आवाज उठाइए। ये बताइए कि इसका विकास होना चाहिए कि जिम्मेदार कौन होना चाहिए? जिम्मेदार यहाँ का मुखिया जी, यहाँ का जो भी हो सरपंच हो मुखिया, वो सब कुछ नहीं किया अभी तक। बंगाली मुखिया यही है। अब आप समझ सकते हैं कि ये स्कूल जो है ऐसा है कि पूरे जो है आसपास के लोग यहाँ पे आ गए हैं। थोड़ा सा चाहूंगा इधर आइए, देख लीजिए ये स्कूल है और यही स्कूल में स्विमिंग पूल बना हुआ है, देख लीजिए। आइए आइएगा आप, है आप यहाँ का पढ़े हुए, आइएगा अंदर। ये है स्कूल, देख लीजिए व्यवस्था है। क्या देखिए स्कूल, आपका घर यहाँ पे है? नहीं, यहाँ घर यहाँ पे नहीं है मेरा, मैं बता रहा हूँ। मैं दीप नारायण रघुवंशम बिहारी बाबू मैं हूँ और मैं बता रहा हूँ कि ये है नीतीश सरकार की शिक्षा व्यवस्था। नीतीश बाबू कहते हैं कि मेरी राज्य में खुशहाली है, मेरा राज सुशासन की सरकार है। यही यही हमारी बताइए, जो निचले पीढ़ी के लोग हैं, जो निचले पीढ़ी के हमारे परिवार हैं, हम लोग बच्चे हैं, वो बच्चे कैसे